हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आज क्या हुआ है। आज केजरीवाल जी से हमारी मीटिंग थी तो हमारे काफ़ी साथी वहां पे पहुंचे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इतने लोग वहाँ पर गए अपने हक के लिए और बहुत अच्छा लगा देख के। इसके बाद मैं एक वीडियो क्लिप भी डाल रहा हूँ जो केजरीवाल जी से बात हुई है, केजरीवाल जी ने क्या कहा है, तो बहुत खुशी हुई देख के कि लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं और निकलना भी चाहिए। तो साथियों बहुत अच्छी भीड़ थी वहाँ पे और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला और आगे जल्द ही आपको न्याय भी मिलने वाला है। तो अभी आप वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद 28 का एग्जाम हुआ, 28 में सर लगभग 25-30 एज इट इज क्वेश्चन आए। अब एक ही पोस्ट के लिए अगर हम चार जगह लड़ रहे हैं सर, एक बार हारेगी जहाँ बच्चा पॉइंट से रह जाता है। हमने उनको जाके बोला कि सर 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, ये सारे प्रूफ है सर उसके कि कहाँ से उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन उठा के दिए। उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ से कोई नहीं मिला। हमने कितने लेटर लगाए, कितने फोन कॉल, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ बच्चे कोर्ट में भी गए, अब वहाँ पे शायद कैट कोर्ट में केस चल ही रहा है। अब यहाँ 3-4 दिन पहले क्या हुआ, रिजल्ट आ गया तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है सर, किसी के रॉ स्कोर चाहे वो किसी भी शिफ्ट का हो, कुछ नहीं दिखाया गया। लगा रहा हूं, आप में से 3-4 लोग अभी सेक्रेटेरिएट चले जाएंगे और सारा प्रॉपरली आपको लिख के देना पड़ेगा। अभी आप लिख के नहीं लाए हो, प्रॉपरली आपको, आप तो पढ़े लिखे अच्छे पढ़े, प्रॉपरली आपको एविडेंस के साथ एनेक्चर लगा के एक प्रॉपर कंप्लेन बना के देनी पड़ेगी। इनके ऑफिस में बैठ जाओ, ये कागज दे देंगे आपको, अच्छे से कंप्लेन बना के दो, एनेक्शन लगा के दो। मैं भी चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर करूंगा, वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और बहुत जल्दी आपकी इंक्वायरी के बेसिस पे हम एक्शन लेंगे, आप चिंता मत करो।